नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के, जो कि वीडियोकॉन टीवी का है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो इस तरह के फॉल्ट इसमें आ रहे हैं, स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रही है, टीवी हमारी ऑन हो रही है, स्टैंड बाय में हो रही है, मगर स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रही है, किसी प्रकार की लाइट इस पर नहीं आ रही है। तो जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया है आपको कि जब टीवी की स्क्रीन को ही देख करके पहले समझ लेना चाहिए कि फॉल्ट किस सेक्शन में है। तो इस हिसाब से जब स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रही है तो फॉल्ट हमारा EHT से संबंधित हो सकता है, क्योंकि जब तक EHT नहीं बनेगी तब तक स्क्रीन पर लाइट नहीं आएगी। और इसका एक कारण और भी होता है कि जो RGB आउटपुट IC से हमारे जो कलर आते हैं तीनों, यदि वो नहीं आएंगे तो भी स्क्रीन पर लाइट नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि हमारा फॉल्ट किस सेक्शन में है, उसके बाद ही आप टीवी को रिपेयर कर पाएंगे स्क्रीन जब नहीं आती है तो। और उस सेक्शन से संबंधित सप्लाई को चेक किया जाता है, इसलिए कि जब तक वह सेक्शन काम नहीं करेगा जिसके कारण से स्क्रीन पर लाइट आती है, तब तक आप उसमें स्क्रीन नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप टीवी को खोल लीजिए। टीवी को खोलने के बाद आप उसमें सबसे पहले आप सप्लाई चेक करनी है कि हमारी EHT बन रही है कि नहीं बन रही है, और EHT ना बनने के कारण ही इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और EHT बन भी रही है तो दूसरे सेक्शन में जैसे RGB हमारा नहीं आ रहा है तो भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं, और भी कारण होते हैं इसके, लेकिन मुख्य कारण तो EHT जब तक हमारी ऑन नहीं होगी तब तक स्क्रीन पर लाइट नहीं आएगी, ना ही कोई वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हमको जो है सप्लाई चेक करनी है इसमें कि हमारी सप्लाई सही है कि नहीं है, इसलिए कि यदि पावर सप्लाई में कुछ फॉल्ट होगा, कोई सप्लाई ड्राफ होगी या नहीं बन रही होगी, तो भी हमारा EHT सेक्शन काम नहीं करेगा, जिससे कि स्क्रीन पर लाइट नहीं आएगी। इसके लिए सबसे पहले मीटर से हम सप्लाई चेक करेंगे कि हमारे सेक्शन की जो ज़रूरी वोल्टेज हैं वो हैं या नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि सप्लाई हमारी बराबर आ रही है नहीं आ रही है। तो ये देखिए, हमारी 110 की सप्लाई है जो कि बराबर आ रही है, और अभी हमारा सेट स्टैंड बाई में है तभी ये सप्लाई बराबर दिखा रही, नहीं तो वीडियो कॉल सर्किट में इतनी सप्लाई बिना स्टैंड बाई में नहीं दिखा रही। देखिए, ये सप्लाई हमारी 1.8 वोल्ट आ रही है, ये सप्लाई कम आ रही है, और ये 9 वोल्ट आ रही है, और ये साउंड सेक्शन का है जो 13 वोल्ट सप्लाई दिखा रही है। तो सप्लाई हमारी सारी सही है, लेकिन ये जो एक सप्लाई इसमें गड़बड़ है जो इसके ऊपर वाली है, इसमें 1.8 वोल्ट आ रहा है, इसके ऊपर वाली सप्लाई ये 1.8 वोल्ट आ रहा है, 8 वोल्ट 9 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि ये सप्लाई हमारी जाती है DT को। हमारी 110 की सप्लाई बराबर है और सारी सप्लाइयाँ बराबर है, केवल ये 1.8 वोल्ट सप्लाई जो आ रही है, यहाँ पे हमें 22 वोल्ट आना चाहिए, और ये 22 वोल्ट हमारी DT को सप्लाई जाती है तभी हमारा DT ऑन होगा, और जब तक DT हमारा ऑन नहीं होगा तब तक हमारी EHT ऑन नहीं होगी। और इसी वोल्टेज के कारण हमारी सप्लाई जो है ये नहीं बन रही है और EHT हमारा वर्क नहीं कर रही है। इसके लिए सबसे पहले ये सप्लाई जो यहाँ हमारी नहीं आ रही है, इसके कारण ये 180 वोल्ट नहीं बन रहा है, जब तक EHT ऑन नहीं होगी तब तक 180 वोल्ट भी हमारा नहीं बनेगा। इसके लिए सबसे पहले ये सप्लाई जो कम आ रही है, पहले इसको देखते हैं कि ये सप्लाई किस कारण से कम आ रही है, और ये सप्लाई को पूरा करते हैं पहले, और जब तक EHT नहीं बनेगी हमारा तब तक स्क्रीन पर लाइट नहीं आएगी, हमारा फिलामेंट भी नहीं जलेगा। तो ये जो सप्लाई यहाँ पर आती है, ये यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा हुआ होता है, और एक यहाँ से यहाँ इसमें कैपेसिटर लगा के इसकी सप्लाई पूरी की जाती है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें या तो ये कंडेंसर ख़राब हो सकता है, और या ये डायोड ख़राब हो सकता है। तो कंडेंसर हमारा इसमें फूला हुआ नहीं है, ना ही दगा हुआ है, इसके लिए फिर भी हम एक कंडेंसर को लगा करके यहाँ चेक करते हैं।
कंडेंसर हमने इसमें जोड़ लिया है और अब देखते हैं हमारी सप्लाई आई या नहीं आई। यदि हमारी सप्लाई आ जाती है तो कंडेंसर ख़राब है, और नहीं आती है तो हमको जो इसमें डायोड लगा हो, देखिए हमारी सप्लाई 5 वोल्ट के आसपास 4.5 वोल्ट दिखा रही है, लेकिन अभी हमने सेट को स्टैंड बाई नहीं किया है। तो ये जब सब सेट हमारा स्टैंड बाई हो जाएगा तब ये सप्लाई बढ़ जाएगी। यदि सप्लाई हमारी ठीक हो गई होगी तो बढ़ जाएगी, यदि नहीं ठीक हुई है तो ये सप्लाई हमारी वापस 1 वोल्ट पे आ जाएगी। तो ये सप्लाई हमारी नहीं बनी, अब भी हमारा वही फॉल्ट है, तो जिसके लिए हम अब ये कंडेंसर को निकाल करके अब इस पर जो डायोड लगा हुआ है हम डायोड को चेंज करेंगे, और डायोड को चेंज करने के बाद देखते हैं हमारी सप्लाई बन रही है नहीं बन रही है। तो अब ये कंडेंसर तो हमने लगा के देख लिया और सप्लाई हमारी नहीं चालू हुई, अब ये केवल वही डायोड चेंज करेंगे और डायोड करने के बाद देखते हैं हमारी सप्लाई सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब तक हम डायोड को निकाल के चेक करेंगे और दूसरा लगाएंगे तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब इसमें जो डायोड लगा हुआ है इसी से सप्लाई हमारी आती है, इसकी 22 वोल्ट की सप्लाई जो नहीं बन रही है। अब ये वाला डायोड हम आपको निकाल करके चेक करके दिखाएंगे, ये मीटर से चेक करने के बाद सही बताएगा लेकिन वर्क नहीं करेगा, इसके लिए हम चेक करके भी दिखाएँगे और नया लगा कर भी दिखाएँगे। अभी हमने डायोड को लगा लिया है और अब हम आपको सप्लाई चेक करके दिखाते हैं हमारी सप्लाई आई या नहीं आई। ये हमारी 110 की सप्लाई है जो कि अभी सेट हमारा स्टैंड बाई मोड में नहीं है, और ये जो हमने डायोड चेंज किया अभी 5 वोल्ट सप्लाई हमारी दिखा रही है, और अब हम इसको स्टैंड बाई करेंगे। देखिए हमने स्टैंड बाई कर दिया और ये 22 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ गई है, और अब ये इस पे 22 वोल्ट सप्लाई हमारी आ गई है, तो ये अब हमारा सेट भी ऑन हो चुका है। और ESD पहले नहीं बन रही थी, अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि ESD हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। ये हमारे DT पे सप्लाई आ गई है 12 वोल्ट की, और ये हमारा 180 वोल्ट है जो कि 162 वोल्ट दिखा रही है। अब इसका मतलब है कि हमारी ESD ऑन हो चुकी है, और ESD ऑन हो चुकी है तो स्क्रीन पे हमारी लाइट भी आ गई है। तो ये डायोड ख़राब होने के कारण से ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे DT पे सप्लाई नहीं जा रही थी, जिसके कारण हमारा आउटपुट सेक्शन काम नहीं कर रहा था और ESD हमारी नहीं बन रही थी, और ये जैसे ही सप्लाई चालू हो गई हमारा सेक्शन काम करने लगा और स्क्रीन पर लाइट आ गई।
जैसा कि हमने आपको बताया कि जब तक पहले आप इस तरह के फॉल्ट में पहले सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करनी होगी और कौन सा सेक्शन काम नहीं कर रहा है उसको ठीक करना होगा और उसके बाद आपका सेट पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।